ऐसा करते हो वो पार्टी सत्ता संभालती है, मोदी की प्रधानमंत्री राजनीति ये जनता के बाद को धन्यवाद करके कांग्रेस की क्षेत्र सागर शासन में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आधुनिक भारत का निर्माण बड़े धाम अपने कंधे में आकर के कांग्रेस बैंक के भूमिका बैंक के तीन दिन बाद लगातार बढ़ के काम के बजाय अनाज योजना शुरू करी, घर घर में गेहूँ पहुंचा दिया, घर घर में गेहूँ पहुंचा दिया, बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं लिया है।
पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है। क्यों डालने में आपको बताऊंगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सीधा अरविंद अंबानी जैसे चोरों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाला है। मैं उनके बैंक अकाउंट से अरविंद अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर सीधा आपके खाते में डालने जा रहा हूं। हम वो नौकरियां दिलवा रहे हैं, सरकारी नौकरियां दिलवा रहे हैं। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। हम 10 लाख युवाओं को पंचायत में रोजगार दिलवा रहे हैं। मगर आपके यहां झूठे हो जाए, हम आपके रिश्ता बनाए। नरेंद्र मोदी जी जहां भी आते हैं झूठ बोलते हैं, जो भी उनके मन में आता है वो बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए लूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जो भी दिन में आता है उनके लिए। मैं आपसे सच बोलूंगा, हमने निर्धारित पैसा कहां जाएगा? नरेंद्र मोदी जी सुंदर चाहते तो मैं बताता हूं अनिल अंबानी जेल से आएगा। चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राजभाई घोटाले में दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी ने दिया। 126 हवाई जहाज चलाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस गया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उससे कहा कि 126 मत खरीदो, 36 हवाई जहाज खरीदो, 526 करोड़ रुपए का मत खरीदो, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदो और एशिया को परे करो, सरकारी कंपनी को परे करो, आदिवासियों को गरीब लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को परे करो और एक चोर अनिल अंबानी को पकड़ लगाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है 5 साल अन्याय किया, अब मैं 5 साल न्याय करने वाला हूं। नरेंद्र मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। किसान है उनसे भी थोड़ा कहता हूं, मगर मैं आपको बताता हूं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, बचपन में बता दूंगा। हिंदुस्तान की सरकार के 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, यहां पर राजस्थान में, मध्यप्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, राजस्थान बोला लेंगे कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर राजस्थान मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी पहले मेरे पास आए मुझे कहते हैं नंबर मिल गया, मैंने कहा मैं नहीं कहा है 72,000। मैंने उनको पूछा 72,000 क्या? 72,000 रुपए कितने दिन में, कितने लोग? मुझे कहते हैं राहुल जी हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को दे सकती है। जो आपके पेट में से गिना गया उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपको बताता हूं कैसे कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की, किसी को तो नहीं दिया। यहां पर यह जिसको 15 लाख रुपये नरेंद्र मोदी के लिए जाओ तो यह एक आदमी और जिसको नरेंद्र मोदी जी दिया है चौकीदार तो चोर। अब देखिए 5 महीने पहले, और ये बात हमारे जो आजकल चाहे रहे हैं आपको बहुत अच्छी लगी, काम करना चाहता है मुझसे पूछे क्या काम करना चाहते हो,
मैंने कहा कि देखिए हिंदुस्तान में करोड़ों गरीब लोग वो दिन बाहर काम करते हैं और देश की जो सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही। मैं उनकी मदद कराना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का गुरु बोला, मैं हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के आदिवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार है। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा बात बताइए, पता कीजिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख